क्या करूं, लंका के विनाश को कैसे टालूं? महाराज तो मानते ही नहीं और राम से मेरा मिलना संभव है। हाँ, सीता से किसी प्रकार भेंट कर सकती हूँ, वो तो मेरे अधिकार क्षेत्र में है। उस महासती से ही अपने पति के प्राणों की भीख मांग कर देखूं, शायद वो मेरे कारण मेरे पति को दया करके क्षमा कर दे। तो फिर अविलंब उसी के पास चलूं और रात्रि के सत्कार में अशोक वन में उसके दर्शन करूं। महारानी जी, आप यहाँ अशोक वन में? क्या महाराज को इसकी सूचना है? नहीं तिरजटा, मैं महाराज की जानकारी के बिना ही तेरे पास आई हूँ। मेरे पास? मैं किस योग्य हूँ महारानी जी? मैं एक लालसा लेकर आई हूँ तिरजटा, सीता से मिलने की। क्या तू मेरी सहायता करेगी? क्षमा करें महारानी जी, महाराज का स्पष्ट आदेश है कि सीता के पास किसी को भी न जाने दिया जाए। क्या मुझे भी नहीं तिरजटा? मैं तो लंका की महारानी हूँ, महाराज की अर्धांगिनी हूँ। क्षमा करें महारानी जी, महाराज के आदेश में कोई अपवाद नहीं है। तिरजटा, तू तो बड़ी भली है, सुना है तू महाराज के आदेशों का अनादर कर सीता पर दया करती है। तिरजटा मेरी अच्छी बहन, तू मुझे सीता के एक बार दर्शन कर लेने दे, एक बार जी भर कर देख लो उसे, बस फिर चली जाऊंगी, तेरी कृतज्ञ रहूंगी जीवन भर। ऐसी बातें ना करो महारानी, मैं तो आपकी सेविका हूँ, आइए मगर अधिक देर न लगाइएगा।